नेक्स्ट वन, प्रीवियस सेशन में जैसे डिस्कस किया था अबाउट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेटा टाइप्स वन बाई वन, बट इन दैट केस वी वांट टू डिस्कसिंग डिटेल्स एग्जांपल्स ऑफ डेटा टाइप्स और प्रैक्टिस एग्जांपल्स ऑफ डेटा टाइप्स। इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल एग्जांपल्स विद रिगार्डिंग प्रैक्टिस पर्पज। इस पर्टिकुलर केस में सबसे मीन आपको आइडेंटिफाई करना है कंपाइल टाइम एरर, नॉट अ आउटपुट, बिकॉज इट मी कंटेंस कंपाइल टाइम एरर। मीन्स कंपाइल टाइम एरर्स के रिस्पेक्ट में चेकआउट करना है, इस टोटल जितने भी गिवन स्टेटमेंट्स हैं इस इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में अगर बात करें सिंपली वेरिएबल डिक्लेरेशन नथिंग प्रॉब्लम सेम एज। इस केस में सी मीन्स सी के केस में जो असाइनमेंट परफॉर्म किया है, इस केस में आपको चेक क्या करना है एवरी असाइनमेंट ऑपरेशन। तो सी के रिस्पेक्ट में बात करें सी का टाइप इंटीजर, असाइनमेंट किस में रहा इंटीजर में। ए के प्लेस पर चेकआउट करें व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ए, और ए का टाइप क्या है ऑल्सो इंटीजर। सेम एज बी के प्लेस पर चेकआउट करेंगे बी का टाइप, बी का भी टाइप क्या है ऑल्सो इंटीजर, दोनों का ही टाइप इंटीजर, इसलिए इसका रिजल्ट भी किस फॉर्मेट में आएगा, रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर में असाइन करना पॉसिबल, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेशन कैसा है वैलिड असाइनमेंट्स। नेक्स्ट वन, अगेन टू वेरिएबल डिक्लेयर किए आई वन और एफ वन, आई वन और एफ वन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे अगेन नेक्स्ट ऑपरेशंस। असाइनमेंट किसमें हो रहा है एफ टू में, और एफ टू का टाइप क्या है फ्लोट। इस असाइनमेंट किस टाइप के वेरिएबल में कराया है फ्लोट टाइप, लेकिन I1 के प्लेस पर इसका टाइप चेक करें। मैं जस्ट कंपाइलेशन टेस्ट कर रहा हूँ ना कि एग्जीक्यूशन, इसलिए चेक क्या करेंगे टाइप ऑफ I1। I1 का जस्ट टाइप क्या था इंटीजर, और F1 का टाइप क्या है फ्लोट। इंटीजर और फ्लोट को जब भी ऐड कराएंगे तो इस केस में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट, क्योंकि इस केस में डोमिनेटिंग टर्म क्या है फ्लोट, फ्लोट है, तो इसलिए असाइनमेंट भी मीन्स रिजल्ट का भी टाइप क्या है फ्लोट, और असाइनमेंट भी किसमें हो रहा है फ्लोट में, ये असाइनमेंट भी कैसा वैलिड असाइनमेंट। नेक्स्ट वन, अगेन सेम असाइनमेंट अगेन चेक किया रिस्पेक्ट टू आई, आई के केस में आई वन के प्लेस पर टाइप चेक करेंगे इंटीजर, एफ वन का टाइप क्या था ऑलरेडी डिस्कस किया है एफ वन, एफ वन का टाइप क्या है फ्लोट, तो इस प्लेस पर टाइप क्या है फ्लोट टाइप। फ्लोट और इंटीजर को जब ऐड कराओगे तो इस केस में रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट, इस रिजल्ट का टाइप क्या है फ्लोट, जस्ट ऑलरेडी प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। लेकिन फ्लोट असाइन किस में हो रहा है इंटीजर में, लेकिन फ्लोट को कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल क्या नॉट पॉसिबल, मीन्स टाइप कास्टिंग का यूज करके कन्वर्ट करना पॉसिबल है डायरेक्टली विदाउट टाइप कास्टिंग पॉसिबल, इसलिए इस स्टेटमेंट के अंदर भी रेज क्या हुआ दिस स्टेटमेंट मे कंटेंस कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड फ्लोट रिक्वायर्ड इंट। अगेन इसी को कंटिन्यू कर दें, देन अगेन नेक्स्ट टाइम ने डिक्लेरेशन पार्ट किया बी वन और बी टू, दोनों का ही टाइप क्या बाइट। नेक्स्ट टाइम बाइट के केसेस में अगेन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस में साइन हुआ बी थ्री में, बी थ्री के रिस्पेक्ट में पहले इसका रिजल्ट टाइप चेक करेंगे बी वन, बी वन का टाइप क्या है बाइट प्लस बी टू का टाइप क्या है बाइट, रिजल्ट का टाइप क्या होगा इस केस में नॉट अ बाइट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस जावा के अंदर किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको रिजल्ट का टाइप आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर चेक करोगे टाइप ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड टाइप ऑफ सेकेंड ऑपरेंड एलोंग विथ इंट, इन तीनों में से डोमिनेटिंग टर्म या हायर रेंज किसका है इंटीजर का, इसलिए रिजल्ट का टाइप क्या है इंटीजर टाइप नॉट अ बाइट। मीन्स बाइट और बाइट को जब भी ऐड कराओ रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा इंटीजर्स के फॉर्म में, इंटीजर को बाइट में असाइन करना पॉसिबल नहीं, इसलिए इसके इसमें रेज किया हुआ अगेन कंपाइल टाइम एरर पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड, किस टाइप का वैल्यू फाउंड हुआ जस्ट इंटीजर, जबकि रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है बाइट। नेक्स्ट वन, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स कैसे हैं वैलिड नथिंग प्रॉब्लम, इस एरर करने केसेस में टू केस फर्स्ट और सेकेंड केस।